नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। सोलह नगर पंचायतों में भाजपा ने उतारे प्रत्याशी। उन्नाव की गंज मुरादाबाद से राम बेटी गोशवा कैंडिडेट, उगू से निर्मला देवी को टिकट। उन्नाव में सोलह नगर पंचायतों में भाजपा ने अपने कैंडिडेट मैदान में उतार दिए हैं। सूची में कई पूर्व प्रत्याशी के टिकट काटे गए हैं। नए प्रत्याशियों को मैदान में उतार कर पार्टी ने भरोसा जताया है। सूची जारी होने के बाद से ही उम्मीदवारों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। नामांकन का कल आखिरी दिन है। सभी प्रत्याशी अपना पर्चा दाखिल करेंगे। उन्नाव में तीन नगर पालिका और सोलह नगर पंचायत हैं, जिनमें 4 मई को पहले चरण में निकाय चुनाव होना है। इसको लेकर भाजपा की ओर से नगर पालिका और नगर पंचायत के कैंडिडेट मैदान में उतार दिए गए हैं। वहीं सपा ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। नगर पंचायत उगू से निर्मला देवी, अनुसूचित महिला बीघापुर से अमित कुमार सिंह, पिछड़ा वर्ग कोरसठ से अवधेश कुमार जायसवाल, अनारक्षित मोहान से कपिल निगम, अनारक्षित मोरावा से कुंवर विवेक सेठ, अनारक्षित हैदराबाद से रज्जन विश्वकर्मा पिछड़ा वर्ग प्रत्याशी बनाए गए हैं। इसी तरह भगवंत नगर से आशीष कुमार शुक्ला, अनारक्षित कोरबा से सुमन देवी महिला, रसूलाबाद से किरण जायसवाल पिछड़ा वर्ग महिला, सफीपुर से उमा देवी महिला, फतेहपुर चौरासी से मिथिलेश कुमार अनारक्षित, न्योतनी से ओम प्रकाश कन्नौजिया अनुसूचित, नवाबगंज से शुभांक प्रताप सिंह अनारक्षित, औरा से बाबूलाल गौतम अनारक्षित, अंचलगंज से सरोज गुप्ता महिला, गंज मुरादाबाद से राम बेटी कुशवा पिछड़ा वर्ग को मैदान में उतार कर विश्वास जताया है। नगर पंचायत की लिस्ट जारी होने के बाद क्षेत्र के लोगों ने कैंडिडेट को सोशल मीडिया पर बधाई देना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही सपा बसपा ने अभी अपने प्रत्याशियों के पत्ते नहीं खोले हैं, जिससे लोगों में बेचैनी है। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।